नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजुला। आज मैं फिर से आई हूं एक नई रेसिपी के साथ और आज की रेसिपी बहुत ही क्विक रेसिपी है और वो है रायता। रायता तो सभी खाते हैं और सभी जगह बनाया जाता है, लेकिन बिहार का रायता बहुत ही स्पेशल होता है। और ये जो रायता मैं बताने जा रही हूँ, ये ब्याह शादी के मौकों पे बनाया जाता है। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही टेस्टी होता है। आप इस अमेजिंग रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और हमेशा की तरह अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए इस अमेजिंग रेसिपी को शुरू करते हैं। तो कद्दू के रायते को बनाने के लिए सबसे पहले हम कद्दू ले लेंगे। तो ये है 400 ग्राम का कद्दू और ये बिल्कुल फ्रेश है। आप देख सकते हैं कि इसमें बीज भी नहीं है और बिल्कुल आप फ्रेश कद्दू लें तो रायता आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले मैंने इसे छील लिया है और इसे धोकर बहुत ही छोटे टुकड़ों में हमें इसे काटना है, क्योंकि हम इसका रायता बना रहे हैं तो इसे बहुत ही छोटे टुकड़ों में काटें। और ये रायता आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इस रायते को मैं बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बना रही हूँ, जो ब्याह और शादियों में बनाया जाता है। ये बिहार का बहुत ही फेमस रायता है। तो सारे कद्दू को काट कर मैंने तैयार कर लिया। तो अब हम इस कटे हुए कद्दू को बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के लिए सबसे पहले हम कुकर में डालेंगे और कुकर में हम आधा गिलास पानी भी ऐड करेंगे और इसे गैस पे चढ़ा देंगे। तो आधा गिलास पानी डाल दिया, अब इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे, ढक्कन लगा दें और गैस की फ्लेम को हम हाई पे ही रखेंगे। तो एक सीटी जैसे ही आ जाए, एक से दो सीटी, तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दें और इसे 5 से 7 मिनट तक इसे पका लें। अगर कद्दू फ्रेश है तो 5 मिनट में ये पककर तैयार हो जाएगा। तो 5 मिनट के बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे अपने आप ठंडा होने दें। के बाद आप देख सकते हैं कद्दू उबल चुका है और अब इस कद्दू को छानकर हमें इसे ठंडा करना है। कद्दू बिल्कुल परफेक्ट पका है और इसका बहुत ज्यादा हलवा ना बनाए, नहीं तो रायता आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो ठंडा करने के लिए मैंने स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया है और नीचे एक बर्तन रखा है, जिससे इसका सारा पानी उस बर्तन में चला जाएगा और इस कद्दू को बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही सारा इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये कद्दू बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में हम दही को फेंट लेंगे। तो ये मैंने 300 ग्राम दही लिया है, हमारा 400 ग्राम कद्दू था तो मैंने 300 ग्राम दही लिया है। और दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमें इसे बहुत ज्यादा लिक्विडी नहीं बनाना है, हमें इसे गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि ये रायता गाढ़ा ही होता है। तो इस तरह से मिक्स करके सबसे पहले हम कद्दू को इसमें ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से फेंट लें, उसके बाद जो ठंडा किया हुआ कद्दू है वो हम इसमें मिला देंगे। और इतना याद रखें दोस्तों कि कद्दू को बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही दही में मिलाएं। अगर आप गर्म कद्दू दही में मिला देंगे तो दही बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और रायते का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब हम इसमें बाकी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं नमक ऐड करूंगी, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, आप अपने स्वादानुसार डाल लें। और ये है अदरक और हरी मिर्च कूटा हुआ, मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को अच्छी तरह से इसे कूट लिया है। इसका पेस्ट ना बनाए, इसे कूटा हुआ ही इसमें डालना है और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हर एक इंग्रेडिएंट्स को डालना बहुत ही जरूरी है। और ये है भुना हुआ जीरा, आधा छोटा चम्मच हम भुना हुआ जीरा डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर को आप अपने अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं, आप जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं। और ये है सीक्रेट, जो इसका मेन मसाला है, जिसके बिना बिल्कुल बिहारी रायता अधूरा है, और ये है सरसों दाना कूटा हुआ। आप पीला सरसों ना लें, मैंने काले सरसों दाने को कूट लिया है और इसका बहुत ज्यादा पाउडर नहीं बनाना है। तो ये हम डाल देंगे करीब आधा छोटा चम्मच, और इसको बहुत ज्यादा ना डालें क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो बस आधा छोटा चम्मच डाल दें और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हमारा ये फ्लेवरफुल रायता बनकर तैयार है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दें और 2 से 3 दिन तक बहुत ही आराम से आप इसे खा सकते हैं। आप इस रायते को बहुत ही एंजॉय करेंगे। आप इसे बनाएं, खाएं और अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।